बट हमें अपने एप्स के पूरे पोर्शन को हिट करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें अपर पोर्शन पे ध्यान देना है, क्योंकि लोअर पोर्शन भी एक ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत ही भद्दा लगता है जब भी हम कोई भी अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं। सो ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन एक और है, क्योंकि जब हम लोअर पोर्शन को जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा उसमें लोअर पोर्शन भी इन्वॉल्व होता है, ठीक। तो हमें लेग का उसमें यूज करना ही करना, और लेग का यूज करने का मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ये करने के लिए ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, हमारे फूड से। सो हमें अपनी फूड को जो है क्या करना है, अच्छा रखना है। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे रख दें। तो यहाँ पर हम अपने लेग्स को एक साथ जोड़ करके 90 डिग्री की पोजीशन में रखेंगे और इसे नीचे तक ले जाने की कोशिश करेंगे, और नीचे ले जा करके भी हमें मैट तक टच नहीं कराना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज को करने के लिए कंट्रोल मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। कंट्रोल मूवमेंट का मतलब ये है कि जब भी हम लेग रेस करते हैं तो वो धीरे धीरे करते हैं, और डाउन जब करते हैं तो भी हम धीरे धीरे ही करते हैं। आपने देखा होगा कि एग्जाम में कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी लेग रेस करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है, जब भी हम लेग रेस करते हैं हमें ब्रीद आउट करना है और अपने कोर मसल्स को क्या करना है, स्क्वीज करना है। तो क्रंचेस को थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए हम अपने लेग्स को थोड़ा ऊपर उठा लेंगे और तब उठने की कोशिश करेंगे। गाइस जब भी आप इसमें टर्न करेंगे तो आपको ब्रीद आउट करना है, और सेकेंड थिंग आपको अपनी ओब्लिक्स को स्क्वीज करना है। इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज की वेरिएशंस को बढ़ा सकते हैं, और अब इसमें वेट डाल करके आप उसको और भी ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। सो गाइस जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी हमारे रिलेटेड टू है ऑब्लिक्स, जिसका नाम है प्लैंक नी टू एल। इस पोजीशन में हम पहले अपनी बॉडी को पूरे प्लैंक के फॉर्म में ला देंगे,
और यहाँ पर हमें अपने एक लेग को उठा करके यहाँ तक लाना है। और जब भी अपने हम नी को यहाँ तक लाएंगे तो हम क्या करेंगे, एब्स को क्या करेंगे, स्क्वीज करेंगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सीटेड नी अप्स। इस एक्सरसाइज में हमें अपने नी को अपने चेस्ट तक लाना है और हाथ का सपोर्ट ऐसे ही रहेगा, ये नहीं कि पूरा एकदम टाइट कर लेंगे, ऐसे नहीं, हमें ऐसे रखना है और यहाँ तक लाएंगे और ऐसे ही रहना है। और जब भी आप नेक्स्ट को इधर लाएंगे तब आप क्या करोगे, अपनी एब्स को स्क्वीज करोगे और ब्रीथ आउट करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि अगर आप सेम एक्सरसाइज को हर दिन करते रहोगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे तो आपकी बॉडी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। सो अपने रोटेशंस को हमेशा चेंज करते रहें, अपने एक्सरसाइज को हमेशा चेंज करते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज उसको बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। और मैं मिलती हूं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। धन्यवाद।